फोर वाला वेरिएंट, तो आपको स्कॉर्पियो एन 4x4 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कार के बारे में, इसमें आपको क्या नए फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं एंड क्या आपको इसमें नए अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। फुल्ली चेंज कर दिया गया सेकंड जनरेशन में, तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप फ्रंट से देख सकते हैं, आपको इसमें मैसिव ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको क्रोम के इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग स्ट्रिप्स के फॉर्म में। वहीं आप देख सकते हैं इसमें आपको महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि क्रोम में आता है, प्लस यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिल जाएगा। जो ग्रिल है वो रॉ ब्लैक्स में आती है। वहीं नीचे बात करें तो आप रेडिएटर ग्रिल देख सकते हैं, नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। बात करें कुछ इसके फॉग लैम्प्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें मिल जाता है आपको प्रोजेक्टर वाला फॉग लैम्प, प्लस इसमें आपको डीआरएल देखने को मिल जाती है जो कि स्कॉर्पियो की टेल्स की तरीके की ही हैं। एंड इसकी हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, जिसका प्लेसमेंट है आपको यहाँ पे मिलता है रिफ्लेक्टर, एंड यहाँ पे आपको दिया गया है HID में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एंड नीचे यहाँ पे DRL पेस्ट है, इसी में आपका इंडिकेटर भी प्रोवाइड करा गया है, जो कि बहुत अच्छा सेटअप मुझे लगता है इसके हेडलाइट का इसके सेगमेंट में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं आता था, तो इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ में कर दिए गए हैं। बात करते हैं इसके कुछ साइड लुक्स की, तो आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं कार का, कितना मैसिव लुक प्रोवाइड करता है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी फुल बॉडी क्लैडिंग ब्लैक कलर्स में, जो कि पूरी गाड़ी पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, एंड जो इसका फुट स्टेप है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि आप स्टील में आता है। आप इसके टायर सेक्शन की साइज़ देख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मैसिव देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 245x65 R17 का टायर देखने को मिलता है। जो इसका अपर वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंच का भी टायर प्रोवाइड करा गया है, जिसमें आपको क्रोम फिनिश वो डायमंड कट अलॉयज देखने को मिल जाएंगे, एंड ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, एंड आप फ्रंट टायर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक होती है, जो कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है। बात करते हैं कुछ इसके ओवरव्यू के साइज़ की, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़ा इसमें मैसिव साइज़ का ओवरव्यू इसमें प्रोवाइड करा गया है, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं बात करते हैं हम लोग इसके डोर हैंडल्स की, तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ इसमें प्रोवाइड करा गया है। वहीं पर आपको रियर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, एंड जो क्रोम की लाइनिंग इसमें दी गई है वो बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है कार को। एंड आप ऊपर साइड अगर देखते हैं तो इसमें आपको रूफ रेल मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती हैं लोग। इस पर आप देख सकते हैं मैं पूरा लटक चुका हूँ, फिर भी कितनी स्टेबिलिटी इसमें बनी हुई है, ये मेरा वजन अच्छे से हैंडल करे है। एंड आप मेन अट्रैक्शन जो है तो वो ये है, आप इसकी जो क्रोम लाइनिंग देखते हैं ये पूरी कार में यहाँ से राउंड शेप देते हुए आती है, जो बिल्कुल स्कॉर्पियन है उसकी टेल के मुकाबले में बिल्कुल फिट बैठ देख सकते हैं। रूफ के साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक शार्फिंग एंटीना। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसकी ब्लैक बैक प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं कितनी मैसिव आपको टेल लाइट्स भी प्रोवाइड करेगी, जो कि फुल LED कॉन्सेप्ट के साथ आती हैं। ये है हो गया आपका ब्रेक लाइट्स, ये हो गया आपके इंडिकेटर्स, एंड ये हो गया आपकी बैक लाइट। तो चलिए बात करते हैं इसमें कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्कॉर्पियो एन की बैजिंग प्यारी सी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे आपको वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर भी मिलता है, यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, एंड ये कुछ स्पॉइलर आपको प्रोवाइड करा गया है, जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है कार को। बात करते हैं कुछ इसकी टेल गेट की, कुछ यहाँ पर भी आपको रियर सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया कुछ महिंद्रा का लोगो, एंड इसी के नीचे प्लेस्ड है आपका बैक रिवर्सिंग कैमरा, एंड आपको इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। एंड जो मेन इस कार की बात है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो इसमें आपको दिख रहा होगा 4Xplore, ये 4x4 कार है जिसको आप किसी भी टेरेन पे चला सकते हैं, चाहे रोड हो चाहे ना हो, आप बेझिझक कार को लेके ड्राइव करते रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नीचे के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट की प्लेसमेंट करी गई है, क्रोम का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है। नीचे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्किड प्लेट, एंड नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर देखने को मिल जाता है, जो कि स्टील रिम में आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें कुछ मिल जाती है 57 लीटर्स की। इसकी जो आप ओपनिंग है, आप अगर आपकी कार अनलॉक है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रेस करिए और आपकी फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी। इसमें आपको 57 लीटर्स का डीजल टैंक प्रोवाइड करा गया है। आप बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आपको एड्रेनोक्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं आज कुछ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 200mm का, एंड जो इसका व्हील बेस है वो आपको मिलता है 2750mm का, जो कि बहुत ही अच्छी सीटिंग क्वालिटी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसके इंटीरियर के बारे में। कुछ ऐसी फिजिकल की आपको महिंद्रा के स्कॉर्पियो के साथ देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें आपको नई महिंद्रा के लोगों की बैचिंग देखने को मिल जाती है। वहीं आपको इसमें अनलॉक बूट ओपनिंग एंड लॉक की बटन देखने को मिल जाएंगी, प्लस इसमें आपको फिजिकल की भी प्रोवाइड करी गई है। अगर आपकी कार कभी बैटरी इसकी डाउन हो जाती है तो आप सिंपली की को इंसर्ट करके कार अनलॉक कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके इंटीरियर्स की। यह आप कुछ इसका इंटीरियर देख सकते हैं, कितना प्रीमियम लुक फील प्रोवाइड करता है। ब्लैक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में इसका इंटीरियर प्रोवाइड करा गया है। वहीं आप इसकी डोर की क्वालिटी देख सकते हैं, तो कितने मैसिव इसका आप डोर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये कार भी आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ ही प्रोवाइड होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इससे कुछ ड्राइवर साइड डोर की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फुल लेदर फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका प्लास्टिक यूज़ है, यहाँ पे फुली लेदर स्टिचिंग देखने को मिल जाएंगी। वहीं आप देख सकते हैं जो इसके
कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा एंड और फुल पावर विंडो से कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इसका जो ग्रैब हैंडल है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, ये कुछ हद तक सफारी से सिमिलर है इंटीरियर के, बाकी इसका पूरा सिल्वर फिनिश प्रोवाइड करा गया। नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है बॉटल होल्डर के लिए। भाई बात करें अगर हम लोग इसकी कुछ इंटीरियर की, तो आप सीट देख सकते हैं इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट प्रोवाइड करी गई है, वहीं इसमें आपको लंबर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा गया है जो कि बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स। तो चलिए बात करते हैं कुछ कार के इंटीरियर की बैठ के, चलो तो चलिए शुरू करते हैं इसका कुछ हम लोग इंटीरियर की रिव्यू करते हैं। अब हम लोग इसे कुछ स्टीयरिंग व्हील की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फुली डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद लेदर रैप के साथ। वहीं आपको लेफ्ट साइड में इसके आपको कुछ ऑडियो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप वॉइस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड राइट साइड में आपको कुछ मिल जाते हैं MID के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड करा गया है, यहाँ से आप MID देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ से आप जब कंट्रोल करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर चेंजेस होने लगते हैं, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे ड्राइव इन्फॉर्मेशन होगी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन हो गई, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन एंड ऐसे ही कई सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जो इसका मीटर है वो फुली आपको एनालॉग एंड डिजिटल के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ बात करते हैं इसके कुछ कंट्रोल्स की, तो आपको उसमें मिल जाते हैं ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, आप देख सकते हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर साइड में आपको मिल जाते हैं कुछ लिवर्स आपके हेडलाइट के, इसमें भी आपको ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन प्रोवाइड करा गया है। एंड नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडलाइट का एडजस्टर भी प्रोवाइड करा गया है। AC वेंट्स आपको इसमें वर्टिकल में प्रोवाइड करे गए हैं, ये चारों AC वेंट आपको वर्टिकली ही प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पे भी आपको स्कॉर्पियो N की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके हम लोग इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको एड्रेनोलेक्स फीचर के साथ कुछ इतने बड़ा टच स्क्रीन प्रोवाइड करा जाता है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। इसमें से आप देख सकते हैं रेडियो हो गया, म्यूज़िक हो गया, फ़ोन हो गया, नेविगेशन भी, ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, सारा कंट्रोल्स आपको यहाँ प्लेस है बिल्कुल सिंगल लाइन में, जो कि इसका जो पूरा सेंटर कंसोल है वो बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड करता है। तो चलिए बात करते हैं, तो इसमें आपको SOS का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, रियर व्यू के लिए भी आपके यहाँ पे कैमरे की प्लेट में दे रखी है। तो कुछ और भी फीचर्स यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स हो गया, यहाँ से आपको हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये हो गया हिल डिसेंट का कंट्रोल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। नीचे आपको दिख जाता है पैसेंजर का एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए भी सिस्टम, यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट देखने को मिल जाएगा एंड ये आपका एक पावर सॉकेट है फास्ट चार्जिंग के लिए। ये आपका कुछ प्लेसमेंट है आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका गियर नॉब है वो फुल आपको क्रोम इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका ये पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इसका फोर व्हील ड्राइव वाला फंक्शन, ये देखते हैं फोर व्हील लो एंड फोर व्हील हाई, यहाँ से आप इसके सारे ट्रेन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रेन्स को बदल सकते हैं, माउंटेन हो गया, स्नो हो गया एंड ये आपका हो गया सैंड वाला, ये हो गया कुछ फॉरेस्ट एरिया वाला। तो ये सब कंट्रोल आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर आप किसी नॉन मतलब जहाँ पर जाते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा रोड्स देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मल सी ऊपर खाबड़ रास्ते, तो वहाँ पे आप फोर व्हील लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर व्हील हाई का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड कार आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके हैंड्रेस का, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कितना मैसिव हैंड्रेस देखने को मिलता है, आप आराम से दो पैसेंजर अगर बैठे तो आराम से अपना हैंड रख सकते हैं। कुछ बात करें इसके अंदर स्पेस की, तो आपको इसमें छोटा सा स्पेस केवल देखने को मिलेगा, नॉर्मल सा कीवी रखने के लिए छोटे मोटे कागज़ वागज, यहाँ पे आपको केवल एक ही कप होल्डर देखने को मिल जाता है, बाकी नहीं देखने को मिलता है कुछ भी ऐसा। चलिए बात करते हैं कुछ इसके IRVM की, तो इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा IRVM इसका। एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, प्लस लाइट्स की कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें आपको LED लाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं, यहाँ पे आपको इसमें माइक भी मिल जाता है जिससे आप जब आपका फ़ोन कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ से तो आप बात कर सकते हैं। ये रहा उसका कुछ वैनिटी मिरर भी इसमें प्रोवाइड करा गया, प्लस आपको यहाँ पे लैंप भी प्रोवाइड करी गई है जिससे बहुत अच्छा कन्वीनियंट फीचर है। ऊपर की तरफ देख लेते तो आपको उसमें छोटी सी सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि अब सारी कार्स में जैसे आ रही है तो उसमें भी महिंद्रा ने प्रोवाइड कर दिया एज अ प्रीमियम फीचर। तो ये आप देख सकते हैं इसका कुछ ग्लव बॉक्स जो कि डिसेंट साइज का है, इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स प्रोवाइड करा गया है। एंड इसका ग्रैब हैंडल देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है कार में एंट्री करने के लिए। आपको इसमें टोटल 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको मिलता है सोनी का 12 स्पीकर का सेटअप, आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आप इसका म्यूजिक आउटपुट हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हैं। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, आप इसमें हेडरूम देख सकते हैं मेरा बहुत ही थोड़ा सा हेडरूम इसमें देखने को मिल जाता है। एंड एक्चुअली बात करते हैं इसमें कुछ सेकेंड रो की, उसमें कैसा कंफर्ट मिलेगा हम आपको उस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कुछ इसका आप डोर देख सकते हैं नॉर्मल से जैसा सारे डोर्स में प्रोवाइडेड है सेम वैसे डोर्स में भी आता है, यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं कार के अंदर, तो ये रहा कुछ इसका बैक सीट का, मुझे अच्छा खासा इसमें थाई सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, प्लस आप लेग रूम देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। हेडरूम भी इसमें आगे के मुकाबले थोड़ा बहुत सही इसमें प्रोवाइडेड है, बाकी इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड करेगा आपको पूरे 3 पैसेंजर्स के लिए, मतलब थर्ड पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, नॉर्मल से इसमें
हेडरेस्ट प्रोवाइड करा गया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट में आपको मिल जाता है देखने को हैंडरेस्ट, जिसमें आपको दो कप होल्डर भी प्रोवाइड करे गए हैं। बाकी जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। बस प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाता है दो एसी वेंट यहाँ पे, जिसमें आपको सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं आप इसका लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सी टाइप का आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा जो कि महिंद्रा वाले ने प्रोवाइड किया। बाकी यहाँ पे आपको एलईडी में बूट लैंप वो कैबिन लैंप देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके थर्ड रूम में, कैसा कंफर्ट उसमें मिलता है आपको देखने को, तो उसमें आप इस वीडियो में मतलब इस सेशन में हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ से कुछ इसका जो 40 स्पीड वाला सिस्टम होता है, यहाँ से केवल इस साइड से ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं, 60 साइड से आप एंटर नहीं कर सकते। सिंपल से आपको इस लीवर को प्रेस करना है एंड पूरी सीट आप देख सकते हैं टंबल डाउन हो जाती है। चलिए मैं अब एंटर करता हूँ इसके कुछ थर्ड रो में एंड बताता हूँ आपको कैसा कंफर्ट इसमें मिलता है देखने को। देख सकते हैं मैं अभी थर्ड रो में बैठा हूँ एंड मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। 6 फीट का बंदा हूँ मैं और आप देख सकते हैं मेरा हेड पूरा ऊपर रूफ में टच हो रहा है, थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 फीट का बंदा इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट आप ना करिए कि आप 6 फीट के बंदे को इसमें बैठा के 50 से 60 किलोमीटर भी ड्राइव कर सकते। सिंपल से आपको केवल एक छोटा सा मोबाइल रखने के लिए स्पेस दे देगी। पीछे आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट बस। बाकी यहाँ पर भी आप अगर आप इधर आ सकते तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब वूफर प्रोवाइड करा गया है जियो सोनी का ही। तो चलिए अब हम लोग इसका टेल गेट ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें आपको कितना क्या बूट स्पेस देखने को मिलता है। पहले आप नज़र देख लीजिए इस दरवाजे पे, इसका टेल गेट है, इसमें आपको अब ये फुली कवर्ड आने लगा है ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपको सिल्वर के में लीवर देखने को मिल जाएगा, पहले के स्कॉर्पियो में ऐसा कुछ फिनिश नहीं आता था। तो चलिए अब इसके हम लोग थर्ड रो को बेंड करते हैं एंड देखते हैं इसमें कुछ कितना बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपको दो बार फोल्ड हो जाती है, तो कुछ इतना सारा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से लगेज कैरी कर सकते हैं लॉन्ग जर्नीज के लिए। वहीं आपको यहाँ पे प्लेस जैसे कुछ ट्रायंगल, वो यहाँ पे आपका रेडियम वाला प्लेस है, उसके नीचे आपकी प्लेस है सारी रिंचेस एंड वगैरह वगैरह। सीट्स को अनफोल्ड करते हैं तो आपको इसमें नाम भर की जगह भी नहीं मिलती, आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल से आप केवल आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं वो आप केवल प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रंट में एंड बात करते हैं कुछ इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव वहीकल है तो इसमें देखते हैं आपको कैसे क्या इंजन स्पेक्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से इसकी बूट ओपनिंग हो, यहाँ से आप इसकी बोनट की ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा जो कि कैबिन नॉइस को बहुत हद तक इंजन नॉइस को बाहर नहीं जाने देता एंड कैबिन में नॉइस नहीं पहुँचती है। वहीं बात करें तो इसमें आपको देखिए हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को नहीं मिलते, सिंपल से आपको डंडी प्रोवाइड करी जाती है। अब इतनी प्रीमियम कार है तो आपको इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जैसे ये जो महिंद्रा आप देख रहे हैं इसमें आपके अभी भी हाइड्रोलिक स्टड्स आ रहे हैं। इसका जो नया वेरियंट है क्लासिक उसमें भी अभी आ रहे हैं, मगर ये जो इतनी प्रीमियम कार है जिसके लिए आप 22-25 लाख रुपये पे कर रहे हैं इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके इंजन स्पेक्स की, तो आपको इसमें मिल जाता है 2200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 178 bhp की पावर एंड 370 nm का टॉर्क, जो कि बहुत अच्छी इसके फिगर्स है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कार को ड्राइव करने में। तो दोस्तों ये था हमारा स्कॉर्पियो एन का रिव्यू, आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, प्लस इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भी रिव्यू हम जल्द ही अपने चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी सारी वीडियोज़, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।